हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल IBACI का जो पेपर हुआ है आज, यानी कि 15 अक्टूबर को मॉर्निंग में, उसी का यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों ये देख रहे हो पेपर आप, ये 10 से और 11 के बीच में जो पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे सॉल्यूशन की, वो हम करेंगे जीके वाले पार्ट की दोस्तों। तो जीके वाला जो पार्ट है स्टार्ट है यहाँ पे पेपर में, इसमें 26वें नंबर से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहाँ पर दोस्तों 26 जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है कि 14 से 19 अगस्त 2017 को भारत आसियाना युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों ये भोपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पूछा है कि जो सितंबर 2017 में आरंभ नाविक सागर परिक्रमा के अंतर्गत नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम ने विश्व के जलमार्ग की परिक्रमा किस भारत निर्मित जलयान से की थी। तो दोस्तों ये की थी INSV तारिणी के। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि 18 अगस्त 2017 को किस एशियाई देश ने इंटरनेट संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए अपना पहला साइबर न्यायालय खोला था। दोस्तों ये किया था चाइना ने। यार यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, वो भी ओनली लास्ट 2 मंथ के पूछे गए हैं, एक तो अगस्त के और एक जुलाई के दोस्तों, या फिर सितंबर के भी बोल सकते हो आप, कुछ सितंबर के भी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो 18 अगस्त 2017 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान में से उसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए $500 अरब का ऋण मिलने की घोषणा की है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे 18 अगस्त 2017 को दुबई में जारी नवीनतम ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वोच्च स्थान पर बनाया हुआ है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विराट कोहली, काफ़ी फेमस भी है तो सभी जानते होंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे नाटविल स्विट्जरलैंड में हुई पहली विश्व पैरा एथलेटिक जूनियर चैंपियन में निम्न में से किसे भाला फेंकने की प्रतियोगिता में रजत पदक मिला है। तो आंसर हो जाएगा रिंकू हुडा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को अचल संपत्ति के अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017 के द्वारा केंद्र सरकार के अचल संपत्ति के अधिग्रहण के समय मुआवजे की देय रकम विनियमों के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। यह विधेयक मूल अधिनियम में एक संशोधन है जो प्रभाव में आया था। इसका आंसर मुझे दोस्तों कंफर्म एक्चुअली है नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको प्रोवाइड करवाएं, मैं आपको इसको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कुछ देर में आपको इसको तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो जुलाई 18 2017 को लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान ब्लैंक स्पेस में स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया, दोस्तों आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इससे पहले जो था वो हरियाणा में किया गया था ये। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो मानव हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण, तो डोडो आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपांतरित करने में काम आता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश, ये वाला ए ऑप्शन, फोटोवोल्टिक सेल एवं सोलर थर्मल सेल, दोनों ये आंसर हो जाएंगे डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा है WWW में लास्ट का जो W है उसका मीनिंग क्या है, तो लास्ट का जो W है उसका वर्ड नहीं होता है दोस्तों वार्म, और आगे के 3 है उसका है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट पूछा है IPV6 का पतों का जो साइज है वो क्या है, तो ये कंप्यूटर की टर्म है, ये भी IP4 होता है, IPV6 होता है, तो इसके आंसर हो जाएगा 128 bits। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों एक यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक के प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा दोस्तों इसको भी थोड़ा आप ध्यान में से देखें, अगर आपको लग रहा है कुछ तो डाउट तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ 10-2 ये आपको जो भी कंफर्म नहीं है मैं आपको कुछ देर में अगले जो पार्ट होगा उसमें इसका आंसर राइट बता दूंगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो यहाँ पे अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी, दोस्तों ये ली गई थी मंगोलिया से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, तो 41 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किसे दिल्ली के 8 सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आमिर खुसरो। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति के अयोध्या विवाद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा 143 143 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में अर्थ देता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 44 की
जो संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल है इससे अधिक होना नहीं होना चाहिए, तो उसके 6 महीने है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक। नेक्स्ट पूछा गया 45 क्वेश्चन नंबर, तो भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो जो 45 का आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन दोस्तों, बढ़ता मुद्रा संचरण मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 46 निम्न में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक लाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का दोस्तों, 46 का जो आंसर यहाँ पे है वो है सी वाला ऑप्शन, श्रमिक ब्यूरो। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे 47 श्रवण क्रांति का संबंध किससे है, तो जो इसका आंसर है वो है दोस्तों बागवानी हार्टिकल्चर के रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक देश को ऋण के जाल में फंसा कहा जा सकता है यदि, इसका जो आंसर होगा दोस्तों 48 का वो हो जाएगा बी वाला आंसर, यानी कि इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका जो आंसर होगा राइट 49 का दोस्तों वो हो जाएगा डी वाला, ऑल सभी सही ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो भारत के व्यापार अंतर आयात और निर्यात के कुल मूल्य का अंतर में वर्तमान लेखा घाटे का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट, जो जीके वाला पार्ट था वो कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया सॉल्यूशन के साथ। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है आंसर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें, और हाँ जो सेकंड पार्ट है उसमें हम जल्दी यहाँ पे रीजनिंग वाले डिस्कस करने वाले हैं, और थर्ड फिर इंग्लिश, और उसके बाद में दोस्तों मैथ्स वाला पार्ट में सॉल्यूशन करके जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो आगे की हर अपडेट्स में आपको मिलती रहेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।